जय माता दी मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो कन्या राशि वालों मित्रों, आने वाले 24 घंटे आप लोगों के लिए आखिर कैसे व्यतीत होंगे, यानी कि दिनांक 29 अगस्त 2023 का दिन कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। बहुत खास वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को साधारण समझने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आइए मित्रों, सबसे पहले अगर हम नज़र डालते हैं पंचांग पर, तो आप सभी को बता देते हैं कि 29 अगस्त को मंगलवार का वार है, साथ में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। और मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि श्रवण नक्षत्र का निर्माण हो रहा है, वहीं सौभाग्य नामक योग भी बन रहा है, जो कि बड़ा ही शुभ योग है मित्रों। और अगर सूर्य की स्थिति देखें तो सूर्य तो वृषभ राशि में ही विराजमान रहेगा, लेकिन दूसरी ओर चंद्रमा जो है वह मकर राशि पर संचार करेगा। तो अब ऐसे में अंतरिक्ष में उपस्थित समस्त ग्रहों की चाल का एवं नक्षत्रों की चाल का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन से शुभ समाचार आपको सुनने को मिलेंगे, कौन से अशुभ समाचारों की प्राप्ति आपको होगी, क्या सावधानियां आपको बरतना पड़ेगी और किन चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा, समस्त बातें समस्त ग्रह गोचर की चाल के आधार पर हम आपको बताने वाले हैं। आइए सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मित्रों लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है। और कमेंट बॉक्स में मित्रों 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य ही लिख दीजिएगा। तो मित्रों, इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपके लिए बहुत ही चमत्कारी उपाय एवं सिद्ध मंत्र लेकर आए हैं, जो आपके जीवन का कल्याण करने के लिए कारगर सिद्ध होंगे। तो आइए मित्रों, आपका कीमती वक्त गवाए बिना वीडियो की शुरुआत करते हैं गुरुजी के एक छोटे से अनमोल विचार से। तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं आयु तो एक गणना है, जीवन आयु से नहीं जीवंतता से, ऊर्जा से, प्रफुल्लता से, अनुशासन से, मौन से, सकारात्मकता से, मैत्री से, करुणा से और प्रेम से जीने का नाम है। मित्रों, हमारे जीवन में हमारी आयु महत्व नहीं रखती है, हमारा चरित्र, हमारा स्वभाव और हमारा मन बहुत महत्व रखता है। आप भी अपने जीवन में हमेशा ध्यान रखना कि खुद को आयु और पद से बड़ा समझने की गलती बिल्कुल मत करना। हमारे द्वारा बताए गए जो गुण अगर आपके जीवन में हैं, तो मित्रों आपका जीवन एक सफल जीवन है। तो आइए, आप सभी का कीमती वक्त गवाए बिना बात करते हैं आने वाले 24 घंटों के महत्वपूर्ण समय अंतराल की। तो मित्रों, इस समय के अंतराल में आपको ध्यान रखना है कि बिजनेस से जुड़े कानूनी मामलों में किसी की मदद लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मित्रों बिजनेस से संबंधित कागजी कार्यवाही करते वक्त आपको बहुत सावधानी बरतना पड़ेगी, और मार्केटिंग तथा मीडिया से संबंधित कार्यों में आपको अधिक ध्यान देना है। सरकारी नौकरी में गैर कानूनी कामों से खुद को दूर रखें, वरना आपके मान सम्मान पर भी बात आ सकती है और पति पत्नी के बीच
मित्रों, खट्टी मीठी नोकझोंक अत्यधिक बनी रहेगी। इस वजह से पारिवारिक माहौल और अधिक खुशनुमा बन जाएगा और मित्रों के साथ मौज मस्ती में भी अच्छा खासा समय व्यतीत होगा। भावनाओं को सही तरीके से प्रकट करने से तकलीफ हो सकती है। जिन लोगों के साथ का रिश्ता बिगड़ा है उसे सुधारने की कोशिश करें और आप व्यक्तिगत बातों में उलझे हुए थोड़े से नजर आएंगे। इस कारण अन्य बातों की ओर ध्यान नहीं जाएगा और इससे आपका नुकसान भी हो सकता है। करियर संबंधित समस्याओं का जवाब जल्द ही आपको प्राप्त होगा और गलत व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप रहा तो नुकसान हो सकता है। मित्रों, बता देते हैं कि आपको समय की शुरुआत जो है सुकून भरी मिलेगी। अपने कुछ खास काम निपटाने के लिए आपको अपने दिनचर्या में बदलाव लाना भी पड़ सकता है, जो कि सकारात्मक ही रहेगा और खुद को साबित करने के भी आपको कई मौके मिलेंगे कि हाँ, आप कुछ कर सकते हैं, कुछ कर गुजरने की क्षमता आप में है। मित्रों, समय के दूसरे पक्ष में परिस्थितियाँ कुछ प्रतिकूल भी हो सकती है, तो ऐसे में अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। जल्दी ही सब काम ठीक हो जाएगा। जल्दबाजी के चक्कर में आप कुछ काम अधूरे छोड़ सकते हैं, लेन देन के मामले तो स्थगित कर दें क्योंकि इस वक्त आपको नुकसान हो सकता है। बिजनेस में अपने कामों पर बहुत मेहनत करने की जरूरत है और मुश्किल समय में किसी काबिल इंसान से मदद लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। सरकारी नौकरी पेशा लोगों को एक्स्ट्रा जिम्मेदारी मिल सकती है, इससे तनाव रहेगा और घर का वातावरण भी सुखद रहेगा तथा परिवारजनों के बीच उचित सामंजस्य भी रहेगा। मित्रों, प्रेमी प्रेमिका के मध्य अहम आ जाने से संबंध खराब हो सकते हैं और आपकी व्यवस्थित दिनचर्या व उत्तम रहन-सहन आपको स्वस्थ रखेगा, इससे आपका इम्यून सिस्टम भी उत्तम रहेगा। मेहनत के अनुसार फल ना मिलने से निराशा हो सकती है। मित्रों, आपको अपनी कार्य क्षमता का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। आर्थिक स्थिति में बदलाव करना आपके लिए आसान हो सकता है और इसके जरिए बड़े लक्ष्य पूरे हो सकते हैं। काम में थोड़ा बहुत बदलाव करें। आपने जो करियर चुना है वही आपके लिए सही साबित होगा और रिलेशनशिप संबंधित नाराजगी को दूर करने और रिश्ता सुधारने पर ध्यान दें। मित्रों, थकान को दूर करने के लिए आपको आराम करने की सलाह दी जाती है और घर में मांगलिक कार्यक्रम भी बन सकता है। पिछले कुछ समय से जीवन में जो परेशानियां चल रही थी तो मित्रों, आपकी सकारात्मक तथा संतुलित कार्य प्रणाली द्वारा काफी हद तक सुलझ जाएगी और जीवन में फिर से सकारात्मकता आएगी और आप अन्य गतिविधियों पर भी फोकस कर पाएंगे। मित्रों, घर के वरिष्ठ सदस्यों का भी आशीर्वाद और मार्गदर्शन आप पर बना रहेगा और किसी मित्र अथवा रिश्तेदार की गलत सलाह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। बेहतर होगा कि अपने डिसीजन को ही सर्वोपरि रखें, अपने डिसीजन को ही सबसे ऊपर रखें और स्वभाव में ईगो और अति आत्मविश्वास जैसी नकारात्मक बातें आपको किसी उलझन में डाल देगी। मित्रों, बता देते हैं कि कारोबार को लेकर परिस्थितियां जल्द ही आपके फेवर में होगी और खुद के टैलेंट को साबित करने का मौका मिलेगा। बिजनेस में निवेश होगा। नौकरी पेशा लोगों को अपनी ऑफिस की व्यवस्था मनोनुकूल ना होने से तनाव रहेगा और परिवार वालों के बीच आपसी समझ और प्यार घर में और अधिक खुशहाली लाएंगे, परंतु प्रेम संबंधों में कभी कभी अविश्वास जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
गैस और एसिडिटी की समस्या आपकी दिनचर्या को अस्त व्यस्त कर सकती है, तो हल्का और सुपाच्य भोजन ग्रहण करें और आयुर्वेदिक चीजें लेना उचित रहेगा। मित्रों, आयुर्वेदिक चीजों का अधिक से अधिक आपको उपयोग करना है। और हाँ, परिवार से संबंधित समस्या धीरे धीरे ही सही लेकिन हल होगी, और आपसी संबंधों को सुधारते समय पुरानी बातों का जिक्र ना करें। आध्यात्मिकता की ओर आपका झुकाव रहेगा मित्रों, मानसिक शांति मिल सकती है, और जरूरी बातों को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। संवाद कौशल बेहतर बनने से मार्केटिंग से जुड़े काम आसानी से आगे बढ़ने लगेंगे, और रिलेशनशिप के कारण परिवार के लोगों के साथ विवाद हो सकता है। मित्रों, रिलेशनशिप धीरे धीरे सुधरेगा। पेट से संबंधित तकलीफ बढ़ने की संभावना बन रही है, और सफलतादायक यह समय है। किसी की सलाह आपके लिए वरदान साबित होगी, और आप अपने अंदर मित्रों दोबारा नई ऊर्जा का संचार महसूस करेंगे। आपको अपनी बात रखने का भी मौका मिलेगा, और विद्यार्थियों और युवाओं का अपने ध्यान और करियर के प्रति फोकस रहेगा। मित्रों, किसी संबंधी के व्यक्तिगत जीवन में चल रही परेशानियों से आपको चिंता रहेगी, परंतु आपकी हस्तक्षेप और सुझाव से उचित समाधान भी मिल सकता है। लेकिन अपनी इनकम बढ़ाने के लिए किए गए प्रयास में कोई रुकावट आ सकती है, और कार्य क्षेत्र में पब्लिक डीलिंग और मार्केटिंग संबंधित कार्यों में भी आपको ध्यान देना है। हालांकि ज़्यादातर काम फोन से पूरे हो जाएंगे, और मशीनरी कारखाने आदि से संबंधित कारोबार में कुछ नए ऑर्डर आपको मिलेंगे। तो मित्रों, अब आप सभी को बता देते हैं कि वीडियो की समाप्ति यहीं पर होती है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य ही लिख दीजिएगा, और दैनिक राशिफल एवं रोजाना ज्ञानवर्धक वीडियो की प्राप्ति के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अभी जुड़ जाए।